जय हिंद बच्चों, मैं एक टेस्ट ट्यूब लेता हूँ। क्या लेता हूँ मैं? टेस्ट ट्यूब। अब इस टेस्ट ट्यूब में देखो बच्चों, मैंने इसमें पानी डाला है, थोड़ा ज्यादा हो गया यार, चलो इतना काफी है। ये मैंने थोड़ा इसमें पानी डाला है, ठीक है। अब इसमें मैं एक और पदार्थ इसमें डाल रहा हूँ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपके घर में इस्तेमाल होने वाला सरसों का तेल। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकल आप अपने घर पे भी देख सकते हैं। यहाँ मैंने सरसों का तेल इसमें डाला, तो आप इसमें देख रहे होंगे कि जैसे जैसे सरसों का तेल ऊपर जा रहा है तो एक अलग कलर का बैंड, एक अलग कलर की जो है रेखा इसमें बन रही है, दिख रही है ना, बिल्कुल अलग। ये दिख रहे हैं, ये पानी है और ये आपका सरसों का तेल है, ये एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना। ये पदार्थ अवेलेबल पदार्थ है, ये भी उसका जो है एक सेकेंड एग्जाम्पल है, आपको दिखाई दे रहा है ना, ये उसका सेकेंड एग्जाम्पल है। तो ये बच्चों आपने देखा कि ये आपको साफ साफ बैंड नजर आ रहे होंगे, ठीक है, ये आपको साफ साफ बैंड नजर आ रहे हैं, ये अलग अलग बैंड है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि इसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मैं और शामिल कर लेता हूँ। मान लो सपोज भाई मैं ये ले लेता हूँ, ये और हल्का है, ये डीजल है, ये देखिए, ये बिल्कुल आपको एक अलग रंग दिखाई दे रहा है, देखिए ध्यान से, 1, 2 और 3। अब इसमें मैं थोड़ा सा अगर चाहूँ तो मिट्टी का तेल भी मिला सकता हूँ, लेकिन इसमें आपको समझने के लिए 3 पॉइंट्स ही काफ़ी हैं, ठीक है ना। ये देखिए, ये तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये जो है ये पानी है, ये क्या है, पानी। और ये आपका सरसों का तेल है, और ये आपका इसमें आप डीजल ले लो, मिट्टी का तेल ले लो, पेट्रोल ले लो, जो इनसे हल्का हो। ये तीनों बैंड आपके अलग अलग हो गए हैं।